हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज हम सीखें, देखिए रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन। देखिए 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, देखिए किसी पोल को 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने सेकंड में पार कर लेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आप सामने, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, 600 मीटर लंबी है और किसी पोल यानी किसी पोल को 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितनी देर में पार कर जाएगी। और ऑप्शन आपके सामने 30 सेकंड, 35 सेकंड, 40 सेकंड और 45 सेकंड। यदि आपको आंसर आता है तो इसको सॉल्व करके कमेंट कीजिए दोस्तों, है ना। आपको मिलते हैं 5-10 सेकंड का समय। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन है कि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं अपन। चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब चाल कितनी देर की दोस्तों, 54 किलोमीटर। ठीक है ना, तो 54 और दूरी कितनी देर की इसकी, जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी इसकी दूरी होगी यानी कि 600 बटा समय क्या होगा, टी हो जाएगा। ठीक है, अब ये है किलोमीटर प्रति घंटा और ये है मीटर में, ये काय में है मीटर प्रति सेकंड में। अगर इसको मीटर प्रति सेकंड बनाना हो तो अपनों को 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि छोटी संख्या में लाने के लिए, तो छोटी यूनिट में लाने के 5/18 गुणा करेंगे। 18 × 18 = 54, 5 × 3 = 15। अब टी का गुणा 15 से होगा और 660, टी जब इधर आएगा तो 15 इसके नीचे आ जाएगा, है ना। और 15 से काटेगा, 15 × 60, देखो टी बराबर 600/15 और 15 से काटेगा, 15 × 60 यानी कि 40 सेकंड। कितनी देर में पार कर जाएगी वो, 40 सेकंड में उसको पार कर जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है दोस्तों, अपना सी ऑप्शन अपना राइट हो रहा, सी ऑप्शन अपना राइट हो रहा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉच फॉर माई वीडियो।